शिष्यों ने कहा कि ऐसी कथा जो कानों को तो मधुर लगे ही, लेकिन इसके साथ साथ उस कथा से हमारे जीवन में हमको भक्ति की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कथा ही हमें संसार के माया जाल से छुड़ा सकती है। ऐसी कथा, ऐसा ज्ञान जिसको सुनकर के हमें विवेक की प्राप्ति हो, क्योंकि इस समय कलिकाल ने सब जीवों को घेर रखा, चाहे वो जीव है, चाहे वो प्राणी कोई भी है, सभी जो हैं इस समय असुर भाव को प्राप्त हो गए, सबका भाव आसुरी हो गया। संसार में भगवान को प्राप्त करने का उत्तम साधन जो भी हो, आप हमें कृपा करके सुनाएं और आप ये बताएं कि संसार में जीव के दुख की निवृत्ति कैसे हो सकती है। सूत जी ने जब ऋषियों की ये बात सुनी तो कहा, हे शौनक जी, मैं जानता हूं भगवान की कथा से आपको परम प्रेम है, बहुत प्रेमी है, इसलिए मैं आपको भगवान को प्राप्त करने का उत्तम साधन बताता हूं, आप सुनिए। संसार में किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में आए तो ये जीव हर समस्या का समाधान कर लेता है, ढूंढ लेता है, हर प्रकार के भय से धीरे धीरे अपने आप को निवृत्त कर लेता है। लेकिन एक बड़ा भयंकर भय जिससे निवृत्ति नहीं होती, वो क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। कहते ये मृत्यु रूपी काल रूपी महासर्प का भय है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इससे बचने का उपाय नहीं है, उपाय है, और इससे बचने का जो उपाय है, कहते वो श्री शुकदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। इससे बढ़ के संसार में मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, और भागवत सुनने में रुचि भी आसानी से नहीं होती। जब पूर्व जन्म के, कई पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब मन में संकल्प होता है कि हम भागवत को सुने, श्रवण करें। श्रीमद् भागवत की कथा को अमृत से भी मधुर और महंगा बताया। क्या बताया? अमृत से मधुर है और महंगी भी है। ऐसा क्यों? कहते उसका कारण है कि जिस समय शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तो उस समय देवता लोग भी वहां पर आए। और कैसे आए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। हाथ में उन्होंने अमृत का कलश लिया हुआ और देवता लोग वहां पहुंचे गंगा के तट पर, और क्या किया? ला करके वो कलश उनके आगे रख दिया, और कलश आगे रख के उनसे कहा कि देखो हम ये अमृत का कलश लाए हैं, इस कलश में जो अमृत है वो अमृत का पान आप राजा परीक्षित को करवा दें, और उसके बदले में आप हमें कथा अमृत पान करवाएं। जब ये बात सुनी तो कहते शुकदेव जी मुस्कुराए, हंसे, क्योंकि उनको समझ गए कि देवता लोग इसके अधिकारी नहीं है। लेकिन महापुरुष किसी को कष्ट भी देना नहीं चाहते, सीधा सीधा मना करेंगे तो उनको कष्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित से प्रश्न किया, राजा ने एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो अमृत हैं, एक तो ये अमृत जो देवता लोग लेके आए, और दूसरा अमृत वो है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, कथा रूपी अमृत, कहो तुम्हें दोनों में से क्या लेना है, किसका पान करना है, जो देवता लोग लाए हैं उसका, या जो मैं तुम्हें पान करवाने जा रहा हूं उसका? तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान इन दोनों में अंतर क्या है, मैं तो जानता नहीं, जब मैं जानता ही नहीं कुछ तो मैं क्या बताऊं।
तो सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, देवता लोग जो अमृत लाए हैं इसको पान करने से तुम अमर तो हो जाओगे, पर तुम्हारे दुखों का अंत नहीं होगा, आवागमन का अंत नहीं होगा। अब देवताओं में भी तो सुनते हैं ना, आपस में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, वो उससे द्वेष करता, वो उससे द्वेष, और जब पुण्य समाप्त तो हुआ तो वो फिर पृथ्वी पर, फिर दूसरा कोई जा करके वहां बनेगा। और जो मैं कथा रूपी अमृत पान करवाने जा रहा हूं, इसका अगर तुमने पान कर लिया तो तुम्हारा आवागमन भी समाप्त। जब आवागमन ही नहीं तो दुख दर्द कैसा, वो भी समाप्त, सब कुछ समाप्त। तो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान फिर तो मुझे कथा रूपी अमृत का पान करना है। अब देवताओं का समाधान हो गया कि वो उसके अधिकारी नहीं, वैसे सुननी है सुनो, लेकिन अमृत का कलश लेके उसके बदले में संभव नहीं। इसलिए बताया कि अमृत से भी मधुर और महंगी, इसलिए महंगी बताया कि अमृत से महत्व ज्यादा कथा अमृत का है, श्रीमद् भागवत का है। इधर 7 दिन में राजा परीक्षित ने जब मोक्ष को प्राप्त किया इस भागवत को सुन के, तो ब्रह्मा जी को भी कहते आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, एक पलड़े के अंदर जप तप यज्ञ हवन सब कुछ शुभ कर्म सब रख दिया, और एक पर श्रीमद् भागवत, तो क्या हुआ, भागवत का पलड़ा, अर्थात जो उसमें अलग अलग था वो सब कुछ समाहित श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत को जिसने पढ़ लिया, समझ लिया और जीवन में प्रैक्टिकल कर लिया, फिर उसको कुछ करने की जरूरत। लेकिन हम कितनी बार भागवत सुन चुके, ना हमारे स्वभाव में परिवर्तन, ना हमारे कर्म में परिवर्तन, हमारा आचार विचार तो कुछ बदला ही नहीं। कारण कि हमने उसको सुना तो है, पढ़ा तो है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल। साइंस में आप तभी पास होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। लिखित रूप में भी आप पास होने चाहिए और प्रैक्टिकल में भी तब। तो यहां हम श्रवण में तो पास हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल है, क्योंकि वो किया ही नहीं। लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, उसका अनुसरण करने का प्रयास भी होना चाहिए। यही जो तराजू लगाया बताया, इसका अर्थ यही है कि हमें इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। 7 दिन क्या, 7 मिनट में ज्ञान हो जाता है, 7 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 1 मिनट के अंदर जिसको ज्ञान हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। ज्ञान प्राप्त करने का कोई समय नहीं, कोई आयु नहीं, कोई किसी प्रकार से इसमें व्यवधान नहीं। बस सामने पात्र तैयार हो, सूर्यदेव प्रकट हुए हैं, अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, जिसके घर की खिड़की खुली है, रोशनदान खुला है, किरणें सीधी अंदर प्रवेश कर जाती है। जो चारों तरफ से बंद रखता है तो किरणें जाके टकरा के, जब हमारी खिड़कियां बंद होती हैं, हमारी इच्छा ही नहीं है ज्ञान पाने की, तो ज्ञान हमारे से टकरा के फिर वापिस चला जाता है। प्राप्ति इसलिए अमृत से मधुर है और अमृत से महंगा है, इसके समान कुछ और इस कलयुग में तो विशेष रूप से नहीं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषिवरो, ये जो ज्ञान है सबसे पहले देव ऋषि नारद को प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया था, उसके बाद ये जो ज्ञान था सनक सनंदन महर्षियों से नारद जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने तो चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया, पर सनक सनंदन महर्षियों से जो है नारद जी ने सप्ताह श्रवण की विधि सुनी थी। ये जो आप सप्ताह का अनुष्ठान कर रहे हैं, इस सप्ताह की विधि को श्रवण किया था। शौनक जी प्रश्न करते हैं, सूत जी हमने तो सुना है नारद जी प्राय इधर उधर भटकते रहते हैं, वो एक जगह पे तो रहते ही नहीं। दूसरा, ये संत सनक सनंदी महर्षि, इनका मिलना संभव ही नहीं, जय कैसे हुआ। नारद जी एक जगह पे रुकते नहीं, इधर उधर भागते रहते हैं,
सनंग सनंदन महर्षि कभी जल्दी मिलते नहीं, तो ये कैसे संभव हुआ दोनों का मिलन और नारद जी का एक जगह पर रह करके कथा सुनना, आप कृपा करके हमें ये बताएं। सूत जी कहते हैं, सुनो शौनक जी, मैं आप लोगों को एक इतिहास सुनाता हूँ जो भक्ति से परिपूर्ण है। मैंने सुखदेव जी के मुखारविंद से इसको सुना था। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जो भ्रमण करते रहते थे, भ्रमण करते करते उनके मन में विचार आया कि चलो मैं इस समय पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। अब पृथ्वी पर भ्रमण करने क्यों आए? कहते उन्होंने सोचा कि ये कर्मस्थली है और कर्मस्थली होने के कारण अच्छी है, तो कहते वो प्रवेश किए इस मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक जहां हम रहते हैं, यहाँ जन्म और मृत्यु निरंतर बहते हैं। यहाँ तो लोग कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं, विवेक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर गंगा गोदावरी कावेरी आदि नदियां भ्रमण किया, तीर्थों में स्नान किया, लेकिन घूमते घूमते उन्होंने देखा कहीं शांति नहीं है, कहीं पर पृथ्वी पर शांति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कलिकाल ने अपना आक्रमण कर दिया है। और कलिकाल ने अपना आक्रमण कर दिया तो उसके कारण ना तो मनुष्यों में दया है, ना मनुष्य में सत्य है, ना तप है, ना दान है, केवल केवल झूठ का आश्रय लेकर के अपना और अपने परिवार का पेट पालना, बस यही काम रह गया। छोटी छोटी बातों पे स्त्री पुरुष आपस में झगड़ते हैं, घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, मनुष्य बड़ा मंद भाग्य और आलसी हो गया है। यहाँ तक कि संतों को भी नहीं छोड़ा, संत भी पाखंडी दिखाई देने लगे। विरक्त सन्यासी जो हैं वो परिवार जुटा करके बैठे हैं, तीर्थ भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि जितने दुराचारी हैं वो तीर्थों पर चले जाते हैं, अपना अड्डा बना के बैठ जाते हैं, जिससे लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। कोई योगी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कलिकाल ने घेरा ना हो। नारद जी का मन बहुत अशांत हो गया। अब वो भ्रमण करते करते पहुंचे यमुना के किनारे पर। जब यमुना के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। उन्होंने देखा वहां पर एक स्त्री रुदन कर रही है, दो अचेतन और वृद्ध जीव उसके सामने लेटे हुए हैं, वृद्ध भी हैं और अचेत भी हैं। उसकी सेवा करने के लिए 15-15, 16-16 वर्ष की आयु की कन्याएं हैं, कोई चवर डुला रही है, कोई धैर्य बंधा रही है, कोई जल पिला रही है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं, वो रुदन कर रही है और बार बार वो जो अचेत पड़े दो प्राणी हैं उनको उठाने का प्रयास कर रही है। अब नारद जी वो देख के जैसे ही आगे निकलने लगे तो उस युवती ने आवाज दी, भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो क्षण भर के लिए रुकिए, क्षण भर के लिए रुकिए, आपका दर्शन करने से मेरे मन को बड़ी शांति मिली, इसलिए थोड़ी देर रुक करके आप मेरी व्यथा सुने, मेरा दुख सुने, उसको दूर करें। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों अचेत पड़े पुरानी कौन है, तुम्हारे साथ ये कौन है? तो उसने बताया, हे मुने, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों अचेत पड़े प्राणी कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए। ये जो स्त्रियां हैं गंगा आदि नदियां मेरी सेवा कर रही हैं, पर इसमें मेरे को सुख नहीं मिल रहा। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, जब मैं अपने दोनों पुत्रों को लेके गुर्जर आदि प्रांतों में पहुंची तो वहां पाखंडियों ने मेरे और मेरे पुत्रों के शरीर को क्षीण कर दिया। किसी तरह इन दोनों को लेके मैं इस वृंदावन में आई। अब इस वृंदावन में आते ही मेरा तो शरीर पहले की तरह हो गया, मैं तो युवती हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध अवस्था में और अचेत हैं। हे मुनिवर,
संसार में माता पिता वृद्ध होते हैं और बच्चे युवा, यहाँ तो विपरीत हो गया। बस इसी शोक से मैं व्याकुल हूं। आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने उससे कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का कारण मैं समझ रहा हूं, भगवान तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करेंगे, आप किसी प्रकार से सोच मत करो। भगवान पृथ्वी को छोड़ के अपने धाम में चले गए और उनके जाते ही कलिकाल ने अपना आक्रमण इस पृथ्वी पर कर दिया। बस उसी के कारण ये सब हो रहा है, उस कलिकाल के प्रभाव से ही ये हो रहा है। अब राजा परीक्षित चाहते थे दिग्विजय करते समय, जब उन्होंने मारना चाहा था कलिकाल को, तो फिर भी उन्होंने जीवित छोड़ दिया। मारना तो चाहते थे, मारा नहीं। तो भक्ति कहती, भगवान महापुरुषों को तो दुष्टों को मार देना चाहिए ताकि औरों को कष्ट ना दे, उन्होंने छोड़ा क्यों? तो नारद जी कहते हैं, देवी उन्होंने उसके अंदर एक विशेष गुण देखा। यद्यपि कलिकाल में सब प्रकार के दोष थे और उस गुण को देख के उन्होंने कलिकाल को मारा नहीं, छोड़ दिया। वो गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, हजारों वर्षों तक तप करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती, योग से भी नहीं होती, वर्षों वर्षों समाधि में बैठने पर भी जिस फल की, उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तत्फलम लभते सम्यक, वही फल बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में किसे? केशव कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करने मात्र से। यह विशेषता। और युगों में तो समाधि में बैठो, तप करो कई वर्षों तक, फिर भी आंख बंद करके बैठे समाधि लगाए रहे, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो फिर सामने संसार आ गया और जीव फंस गया। लेकिन कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से जीव मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने सोचा ये तो बड़ा सरल है, इसलिए उन्होंने इसको मारा नहीं कि कलयुग में लोगों को थोड़े से ही बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। यद्यपि कलिकाल दोषों का खजाना है, ये कलिकाल दोषों का खजाना है, इसमें तप तीर्थ ध्यान कथा सबके सार खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी केवल नाम की विशेषता होने के कारण इसका महत्व है। यद्यपि कथा का महत्व खत्म, विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग में घर घर में जन जन के सामने कथा होगी, हो रही है, देख रहे ना कि नहीं? पहले भागवत किसी गांव में होती थी तो हजार दूर दूर से गांव उमड़ उमड़ करके वहां पर आते थे, क्योंकि कथा जल्दी सुनने को नहीं मिलती थी, सड़कों पे रह करके कैसे भी रह करके कथा सुनते थे, और ज्यादा तामधाम भी नहीं होता था, हमने बचपन में देखा। 7 दिन तक बस वहीं कपड़ों की गठड़ियां बंदी होती थी, जहां हुआ नहा लिया रह लिया कथा सुनी। लेकिन अब पहले वक्ता भी नहीं थे, ना वक्ताओं की कमी है ना श्रोताओं की कमी है, जने जने के घर घर में। लेकिन घर घर में कथा होना या जन जन के सामने कथा होना तो बहुत अच्छा लक्षण है कि बुरा? क्यों जी, बोलो ना, अच्छा है ना, कथा होनी चाहिए। फिर कहते हैं इसमें दोष क्यों बताया? कहते हैं क्योंकि करने के पीछे की भावना बदल गई। पहले करने की और सुनने की भावना अलग थी, लेकिन कलयुग में उसमें थोड़ा सा विकार आया। क्या आया? कारिता कर्ण लोभेन।
कहते उसके अंदर लोभ वृत्ति आ गई। करने वाले और कराने वाले दोनों में विकार आ गया, दोनों में विकृति आ गई। करने वाले में विकृति क्या आई? पैसा, इतने लाख लेंगे कथा करा लो। और कराने वालों में क्या हुआ कि एक समिति ने मंदिर में कथा कराई, उन्होंने किसी अच्छे वक्ता को, नामी वक्ता को बुलाया। अब साथ में दूसरा मंदिर था, उसकी समिति ने कहा कि इससे भी बड़े नामी व्यक्ति को बुलाएंगे, पैसा कितना भी लग जाए। कथा कराते हैं, कथा कराने के बाद जो समिति कथा कराती है उस समिति के दो भाग हो जाते हैं। बोलिए बांके, उस समिति के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसा इकट्ठा खूब किया, खूब खर्चा, जो बचा उसको लेके लड़ाई हो गई। आपको पता होगा जो संस्थाओं से जुड़े, क्यों कराने के पीछे कारण, एक तो नाम, दूसरा दाम। तो कहने का भाव ये जो कारिता कर्ण लोभ है ना, कहते उसके अंदर जो भावना बदल गई। क्या बदला? भावना बदली, कर्म तो वही, लेकिन कर्म की भावना बदल गई। कथा सारस तत्वगता, कथा का सार खत्म हो गया। करने वाले को सामने की कल्याण की चिंता नहीं है, उसको अपनी चिंता है। कराने वालों को भी किसी की कोई चिंता नहीं, उसको अपने नाम की चिंता कि बहुत बढ़िया कराया, बहुत बड़ा नामी व्यक्ति है, खत्म। अति उग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजना, अति उग्र स्वभाव के प्राणी, क्रिमिनल, मार धाड़ करने वाले, काला धंधा करने वाले, नास्तिक स्वभाव के, जिनको दूर दूर तक भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। ते प्रतिष्ठन तो तीर्थेशु, उन्होंने तीर्थों पे जाके निवास शुरू कर दिया। उसका परिणाम तीर्थ सारस ततोगता। तीर्थों पे लोग जाते हैं, अश्रद्धा हो जाती है, पंडों ने लूट लिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने जीवन भर गलत काम करते रहे, चलो अब हम साधु बन जाएंगे, तो छूट थी ना, अब छूट खत्म कर दी। किसके कारण की? ऐसे उग्र प्राणियों के कारण, जो वास्तव में संत नहीं, जो संत का केवल वस्त्र पहनते, मन से संत नहीं। अभाव के कारण संत बने, जब अभाव दूर हुआ तो संत का भाव भी, उसमें रह के गलत काम, वो चोले को छोड़ते हैं तो उस चोले से मिला, उस वस्त्र से मिला। अब जब उस वस्त्र से मिला तो उस वस्त्र को छोड़ेंगे तो मिलना भी। और हमारे यहाँ मीडिया और महान है, क्योंकि हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगी। वो ये नहीं बताएंगे कि इस व्यक्ति ने संत के चोले को बदनाम किया, कहेगा संत ने ऐसा कार्य किया। तीर्थों पे जाके भी ये लोग, यही सब होता है। फिर मार धाड़ हुई, और मीडिया की तो कमी नहीं है ना, अखबारों में, दूरदर्शन चैनल पे अच्छी बात तो एक बार दिखाएंगे और गलत बात कई वर्षों तक दिखाएंगे। तीर्थ सारस, तीर्थों का सार। कर्म तो है, लेकिन कर्म के पीछे की भावना बदल गई। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग कहते हैं कि कर्म दुखदाई है, कर्म कष्ट देने वाला है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि कर्म कष्ट देता ही नहीं, दुख देता है, तो कर्म का फल देता है। कर्म वही है, लेकिन उसके पीछे आपकी भावना क्या है। दो बच्चे सामने खड़े खेल रहे हैं और दोनों बच्चे समान शरारत कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा मेरा है और एक बच्चा मेरे पड़ोसी का है। अपने बच्चे को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे के बच्चे को डांटा दोनों को, लेकिन डांटते समय मन में भावना दूसरे बच्चे की और अपने बच्चे की अंतर होगी कि नहीं? वो विकार है। जब दोनों एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो दोनों के लिए मन की भावना एक जैसी क्यों नहीं? क्योंकि विकार पैदा कर दिया, ये मेरा है और ये तेरा है। कर्म दुखदाई नहीं,
कर्म करते समय अगर भावना हमारी गलत है तो वो कर्म दुखदाई हो जाएगा। कर्म में कुल मिलाकर के यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कलिकाल में कर्म नहीं बदलता, जो सृष्टि है वैसी की वैसी रहती है, लेकिन हमारे कर्म करते समय हमारे मनों के भाव कृपा करो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। नारद जी गए, कहाँ गए? दोनों भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के पास, और लगे वेद मंत्रों का उच्चारण करने, गीता का पाठ करने, और पाठ करते हुए उसको जगा रहे हैं। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठो, शीघ्रता से उठो, हे वैराग्य तुम भी उठो। जैसे ही वेद का पाठ करते हुए दोनों के कान में उठने के लिए कहा तो दोनों थोड़ा सा उठे तो सही, उठे लेकिन आलस्य से जम्भाई लेते हुए फिर सो गए। बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास करने के बाद भी उनको उठाने में सफल नहीं हुए। भगवान का ध्यान किया कि भगवान कैसे मैं इनके कष्ट को दूर करूं। आकाशवाणी हुई, हे नारद, अगर इनके कष्ट को दूर करना चाहता है तो इसके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना होगा। अब सत्कर्म क्या है तुम्हें कोई महापुरुष बताएगा। ऐसा कह के आकाशवाणी मौन हो गई। जिधर से आकाशवाणी हुई थी उधर सर झुका करके नारद जी ने प्रणाम किया। अब ऋषियों मुनियों के पास चले पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या है, कोई नहीं बता सका। सोचा ऐसे तो पता नहीं चलेगा, चलो जाकर के तप करता हूं। पहुंचे बद्री का आश्रम, वहां जाके स्नान किया और सोचा कि अब मैं बैठ करके तप करता हूँ सत्कर्म के बारे में जानने के। जैसे ही बैठने लगे तो सामने उनको दिखाई दिए सनक सनंदन चारों भैया आ रहे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। अब जैसे ही उनको आते हुए देखा तो नारद जी उठ के खड़े हो गए। समाधानित नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि संसार में चिंतित वो होते हैं जो संसार के लेने देने के चक्कर में पड़े हैं। आप तो अपने भजन में लगे हो, काय का दुख। तब नारद जी ने उन महर्षियों को आदि से लेके अंत तक की जो घटी घटना थी सुनाई, जो आपने अभी सुनी ना, पृथ्वी पर जो घटना घटी वो सारी घटना सुनाई। और सुनाते हुए कहा, भगवान मैं दुखी अपने लिए नहीं हूं, मैं चिंतित अपने लिए नहीं हूं, मैं चिंतित हूं उस भक्ति के दुख को लेके। महापुरुष अपने दुख से दुखी होते ही नहीं, उनका दुख ही नहीं होता, वो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं और उस दुख को दूर करने के लिए सब कुछ करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो सत्कर्म कौन सा है जो भगवान ने बताया। अब आप जैसे महापुरुष मिल गए तो कोई चिंता ही नहीं रही, कृपा करके आप ही बताएं सत्कर्म क्या है। तो सनकादि जी कहते, नारद जी तुम चिंता मत करो, मन को बिल्कुल प्रसन्न रखो। यद्यपि संसार में ऋषियों ने बहुत से उपाय बताए हैं पर वे सारे के सारे परिश्रम से युक्त हैं और बहुत कम फल देने वाले हैं। मुक्ति प्रदान करने वाला साधन बड़ा गोप्य है। हम बताते हैं आपको सत्कर्म क्या है। अब सनकादि जी बता रहे हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। कहते जो सत्कर्म है वो क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। बड़े बड़े जो स्मृतिवान, बड़े बड़े जो मनीषी, कहते उन्होंने जो सत्कर्म का अर्थ कहा है वो ज्ञान यज्ञ कहा है। यज्ञ करते ना, कोई अन्न यज्ञ करता है, कोई वस्त्र यज्ञ करता है, कोई धन यज्ञ करता है। सर्दियों में गरीबों को कंबल बांट दिए, स्कूल में
विद्यालय में जाके निर्धन बच्चों को पुस्तकें ले दी। कुछ ऐसे परिवार जिनके घर में राशन निराशन डलवा दिया, अन्न यज्ञ वस्त्र करते। तो कहते इसी प्रकार एक ज्ञान यज्ञ भी होता है, और वो क्या है? श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीत सुकादि भी। कहते वो ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत की कथा। ज्ञान यज्ञ मैंने जिसमें ज्ञान की चर्चा होती है, कहते ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सभी यज्ञों में से श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? सभी शुभ कर्म हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन श्रेष्ठ यज्ञ है तो वो है ज्ञान यज्ञ। अब अन्न यज्ञ अच्छा है, लेकिन ये कल्याणकारी कैसे? किसी व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं, हमने उस पर दया की, उसको वस्त्र दे दिया। भूखा है, भोजन करा दिया। पता चला इस परिवार के पास अन्न नहीं है, या ये वस्तु नहीं, वो दिलवा दी। लेकिन हमने जो भी साधन किसी को उपलब्ध करवाया वो कितने दिन तक चला? कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। अब जैसे ही वो खत्म हुआ उसमें फिर अभाव, फिर जरूरत। सारे के सारे यज्ञ कुछ अल्प समय के लिए ही पूर्ण होते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ, कहते एक बार इस यज्ञ में ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया तो उसका जन्म जन्मांतर का दुख दूर हो जाता है, क्योंकि आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ बताया। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सुखदेव जी महाराज जय। बोलिए वेद व्यास भगवान जय। ज्ञान यज्ञ दे रहे हैं सुखदेव जी। अगर राजा परीक्षित को नहीं सुनाते तो हमें थोड़ी उपलब्ध होता ज्ञान यज्ञ। सबसे बड़ा सत्कर्म, सभी कर्म है सत्कर्म है, जो हम किसी के लिए अच्छा करते, पर वो करना छोड़ नहीं देना कि क्या करना है, किसी को वस्त्र दे के या न दे, वो करें, लेकिन इसके साथ ध्यान रखें कि अगर मुक्त होना है तो ज्ञान यज्ञ के बिना मुक्त नहीं हो सकते। तो नारद जी ने कहा भगवान इसमें मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका? कि जो आप श्रीमद् भागवत की कथा की बात कर रहे हैं उसमें है क्या? वेदों के सारे मंत्र ही तो हैं, वेद वेदांत का सार ही तो है, और मैंने यही वेद के मंत्र बार बार उनके कानों में बोले लेकिन वो तो जागृत नहीं हुए, उनका दुख दूर नहीं हुआ, तो उसके सार से ये कैसे जागृत हो सकते? तो सनकादि जी कहते हैं देवऋषि तुम्हारे मन में ये शंका होना स्वाभाविक है, लेकिन वेद मंत्र से वेदांत का